जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, जय मैया अम्बे गौरी, जय जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, जय मैया अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, जय मैया अम्बे गौरी, जय मैया अम्बे गौरी, जय मैया गौरी, जय अम्बे गौरी, जय मैया अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, जय जय मैया अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, जय मैया अम्बे गौरी, जय मैया अम्बे गौरी, जय मैया गौरी। रेखा पुत्र, आज सूरज कहाँ से उगा है सवेरे सवेरे और तू मंदिर में? मम्मी जी, पूजा पाठ तो होनी चाहिए ना, तो आज मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ही शुरुआत कर दूँ। हाँ, मैं तो मम्मी जी गेस ही नहीं कर पाई कि ये आपकी आवाज है। गाते वक्त आवाज कितनी चेंज हो जाती है ना। ये मॉम को नया क्या सूझा? मुझे क्या पता, खुद जाकर पूछो ना मम्मी जी से। रंजीत, ये सवेरे सवेरे रेखा को क्या हो गया? पता नहीं पापा, मैं भी हैरान हूँ इसे क्या हो गया है। कितनी वाहियात चाहिए मम्मी जी। नंदू, तुम्हें कितने साल हो गए इस घर में, तो क्या अभी भी तुम्हें चाय बनाना सिखाना पड़ेगा? जवाब क्यों नहीं देते? जी मुझको नहीं, इनको। चाय इन्होंने बनाई है। देखो रेखा, नंदू तो चाय बनाता ही है, तुमने क्यों तकलीफ की? देखिए, अगर आपको चाय अच्छी नहीं लगी हो तो रणबीर भाई साहब, अगर आपको चाय पसंद नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना लेती हूँ। ठीक है, बना दो। आज रेखा ने बहुत दिनों बाद किचन संभाला है ना मम्मी जी?
यही बात मैं रंजीत से करने वाला था। भाई रेखा को क्या हो गया है, एकदम गृहिणी की तरह घर के हर एक काम कर रही है। हा? भाई साहब मुझे तो ऐसा लगता है मेरी बीवी के अंदर किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है और वही आत्मा उससे काम करवा रही है। देखो मेरी बहू को कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ माँ हम कह थोड़े ना रहे हैं कुछ, बस हम तो एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ। आप सबको एंजॉय करने का मौका बहुत मिलेगा। अभी तो रेखा आंटी अपना हाथ का बना हुआ लंच भी सर्व करेगा। शुरू करें? लेकिन जैक्स पहले बाकी सब लोग भी शुरू करें ना। शुरू कीजिए ना। खाइए ना, खाइए। रेखा पुत्र, मेरा कहना मान तो तू ये खाना वाना बनाना रहने दे पुत्र। देख तू चाय में शक्कर डालना भूल गई, फिर खाने में नमक डालना भूल गई, और पुत्र ये रोटियों की हालत तो तू देख ही रही है ना। वैसे पुत्र ये तू सब कर क्यों रही है? ऐसा खाना बना बनाकर हमें खिलाती रहेगी तो हम सबकी तबीयत तो खराब हो जाएगी। वेरी सॉरी टू से मम्मी जी, लेकिन दीदी ना बड़े दिनों के बाद किचन चिचन में गई थी इसलिए ये हाल। बट प्लीज आप दी को इस तरह डिस्करेज मत करो, वो जल्दी खाना बनाना सीख जाएगी, है ना दी? हाँ बोल रही है ना दी। तू चल मुझे तुझसे काम है, आना आ। मम्मी जी वो रेखा। पुत्र अरे मैं तो मजाक कर रही थी। रेखा को देखकर तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कितनी बदल गई है वो। मम्मी जी अगर आपको परेशानी हो रही है तो ये रोटी मैं बना देती हूँ। चलेगा लाजवंती बेटा, लो। अरे लाजवंती बेटा रहने दो, तुम जाकर ना आराम करो। एक्चुअली ना मुझे ये सब कुछ करने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ सही में। जाओ जाओ बेटा। वैसे आंटी आप काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। बाय। देखा मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि पुत्र ये खाना वाना बनाना तू रहने ही दे, आखिर तू ये सब क्यों कर रही है? मम्मी जी रोटी तो है, कोई बोटी थोड़ी है कि दूसरी नहीं आ सकती। सॉरी मैं आपके लिए अच्छी वाली सब्जी लेकर आती हूँ, है एक मिनट।
लो, अब ये कसर रह गई थी। तुम दोनों बहनें नुकसान के ऊपर नुकसान करने पर क्यों तुली हुई हो? रेखा आंटी, I'm sorry, but ये जूठा बर्तन भी आप ही को उठाना पड़ेगा। नंदू को बता दूंगी। नो आंटी, एक्चुअली नंदू को मैंने छुट्टी दे दी है। इसके लिए ये सब बर्तन आपको अकेला ही उठाना पड़ेगा। जैक्स, जैक्स प्लीज मेरी मदद करो ना। अरे लीजा तेरे सामने खड़ी है, और याद है उसने क्या कहा है? उसने कहा है सारा काम तुझे खुद करना है अपने आप। अरे मैंने तेरी 5 मिनट की हेल्प की ना, तो मुझे 5 जन्मों तक नहीं छोड़ेगी ना बाबा ना। तू प्लीज, तू खुद ही कर ले दी। रेखांत जी, काम जल्दी जल्दी करो, अभी इसके बाद आपको अपना हस्बैंड का सेवा भी करना है। रेखा, ये तुम मेरे पैर के पास क्या कर रही हो? रेखा, रंजीत, मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। क्या 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 हुआ पुत्र? क्या हुआ पापा, आप चिल्लाए क्यों? रंजीत, तू ठीक तो है ना? कमाल है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बात क्या है? रेखा पुत्र, गल की है वो मम्मी जी। मम्मी जी, वो क्या है कि रेखा मेरा पैर दबा रही थी और मैं डर गया। रमा, तुम मेरे पैर दबाओ तो ये मानने वाली बात है, लेकिन रेखा अगर पैर दबाए तो ये बात कुछ लगता है। हमारे देवर जी को आज पहली बार ये सुख नसीब हुआ है, शायद इसीलिए डर गए। क्यों देवर जी, चलें। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। रेखा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? खामखा का तमाशा बना दिया। रंजीत, सो जाओ। ये दी, मैं सोच रही हूं कि घर के काम कितने बोरिंग होते हैं ना दी। पहले हाथ साफ करो, फिर सब्जी साफ करो, फिर बर्तन साफ करो, फिर घर साफ करो। पता चले सब साफ करते करते आदमी साफ हो गया। दी, तुझे एक बात बताऊं, मेरे ना यूएस में। तो ये सारे किस्से सुनाना बंद कर देगी और ये सोचेगी कि इस मुसीबत से हम कैसे बाहर निकले? जैक्स, तुझे क्या लगता है, जिंदगी भर मैं ऐसे ही काम करती रहूंगी? ओहो दी, करेंगे करेंगे, कुछ तो करेंगे। तू काम कर, ये सब्जी बना, मैं तब तक कुछ सोचती हूँ। हाँ, नंदू जी, इधर आ। जी, ये ले और साफ कर। जी, लेकिन आपने तो कहा था कि आप
खुद जुबान लड़ाता है, जो बोला है ना वो कर। लीजा आएगी तो मैं काम शुरू कर दूंगी। माय गॉड, कमर में तो दर्द हो गया। जा, मैं कर लूंगी। जा बोला ना। लीसा जी, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मम्मी जी ने पहले ऐसा काम कभी नहीं किया। तो लाजवंत जी, ये सब आंची को करने दो। सभी जो वो समझेगा तुम इस घर में कितना काम करता था। लाजवंत जी, मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा, बट रेखा आंटी को लेसन सिखाना तो जरूरी था।